हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी के टिप्स। और मैं हूँ रेखा। दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, साथ ही रंग पंचमी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक्चुअली हमारे एमपी में ना होली से ज्यादा रंग पंचमी को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं एमपी से हूँ तो मैं यहाँ का आपको बता रही हूँ। मेरे बाकी के व्यूअर्स कौन कहाँ किस स्टेट से, पर्सनली मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन कोई एमपी का है तो उसको जरूर पता होगा कि रंग पंचमी होली से ज्यादा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। इस दिन सबसे ज्यादा होली रंग गुलाल खेला जाता है और उस रंग के मजे तो आपने भी अभी दो दिन पहले लिए ही होंगे। और इसके बाद में जो रंग छुड़ाया होगा, उसके बाद जो आपके चेहरे की रंगत जो फीकी पड़ गई होगी, जो रंग उड़ा होगा आपके चेहरे का, उसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो आप फेस जरूर कर रहे होंगे। तो उस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आज अनवी के टिप्स में मैं रेखा आ गई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी की जरूरत है जो आपके फेस का जो ग्लो वापस ला सके, आपके फेस की ड्राइनेस, आपके फेस का पिगमेंटेशन एंड आपके जो डिटैनिंग हो गई है आपके फेस पर, जो टैन हो गए हैं आपके हाथ पैर, जो सब कुछ बिल्कुल टैनिंग से भरपूर हो चुके हैं, आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी रेमेडी आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ में। और किचन में सारी अवेलेबल चीजें होंगी जिससे आप इस रेमेडी को बना पाएंगे और इसको बनाकर आप रख भी सकते हैं स्टोर करके। साथ ही आप इसको हफ्ते में अगर 3 बार यूज करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट मिलने वाला है। इस समर सीजन में आपको टैनिंग से बचाएगा, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, जो स्किन आपकी बेजान सी हो चुकी है वो बहुत ही खिलकर ऊपर आएगी। तो चलिए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी उन लोगों से जो आज फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, लेकिन उसमें ऑल पे आपको क्लिक करना है जिससे आपके सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलते रहेंगे। आपको मेरे वीडियोस को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कि हमें कौन सा वीडियो अभी ढूंढ कर लाना है, आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा ऑल को क्लिक करने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना और उसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। आपको बहुत जल्दी जल्दी स्किप कर करके बड़ा बड़ा कर नहीं देखना है, इस वीडियो को टाइम देकर देखिएगा, क्योंकि कोई भी रेमेडी जब आप पूरी तरीके से नहीं देखते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आती है, इसलिए इत्मीनान से टाइम लेकर देखिएगा और आपको एक बहुत ही यूजफुल की रेमेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को बनाना। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो होगा दही यानी कि कर्ड, और इसे हमें लगभग 1 चम्मच के करीब लेना है। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो होगा गेहूं का आटा, जो कि चोकर वाला होगा यानी कि छना हुआ नहीं होगा। और आटा जो होता है वो एक अच्छे स्क्रबिंग का काम करता है, और दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि टैनिंग फ्री करता है। साथ ही आपको लेना है चुटकी भर करीब कस्तूरी हल्दी, ना हो तो किचन वाली भी चल सकती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक होती है। साथ ही आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो आपको लेना है रोज़ पेटल पाउडर, यानी कि आपको जो गुलाब की पत्तियाँ हैं वो भी घर में पीस कर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। ये हमें लेना है लगभग 1 चम्मच के करीब, आपको इसको इसमें ऐड कर लेना है, और ये बहुत ही अच्छा वाइटनिंग ग्लो देता है आपके फेस पर और आपके फेस में ग्लो लेकर आता है। साथ ही हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा ऑरेंज पील पाउडर है, और ये भी हम मार्केट वाला ले रहे हैं। आप चाहें तो घर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक स्किन में पॉलिशिंग का काम करता है। 1 चम्मच के करीब आपको इसको इसमें ऐड करना है, और विटामिन सी होता है इसके अंदर जो कि आपके फेस पे बहुत ही अच्छा नेचुरल ग्लो इफेक्ट लेकर आता है, और आपको इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। साथ ही आपको इसमें 1/2 चम्मच करीब हनी यूज़ करना है। हनी जो है आपके फेस पर आपके जो मॉइस्चराइज़र है उसको लॉक कर देता है और आपके फेस को एकदम क्लीन, क्लियर और मॉइस्चराइज रखता है। हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है आज के फेस पैक का वो है टमाटर का पल्प, और इसको स्किप नहीं करना है, इसको ज़रूर ऐड करना है। इसकी वजह से आपके जो फेस पैक है इसमें 4 चांद लगने वाले हैं, और इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट फॉर्म में इसको ऐसा कन्वर्ट करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत रनिंग नहीं करना है, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ठीक है तो थोड़ा सा रोज़ वाटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं कि ये आपके फेस पर अप्लाई करने लायक हो जाए, और इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करके एक फेस पैक की तरह या फिर एक उपटन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसे कैसे लगाना है देख लीजिए, इसको अपने फिंगर की हेल्प से या फिर फेस पैक का जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से भी आप अपने पूरे फेस पर लगाइएगा अच्छे से, और इसको आप अपने लिप कॉर्नर पे, आपके जो ब्लैक हेड वाइट हेड हो जाते हैं, आपके आँखों के आसपास जो ब्लैक हेड हो जाते हैं उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा।
और आप इसको फोरहेड पर लगाइए, क्योंकि फोरहेड पे हमारे सबसे ज़्यादा टैनिंग होती है और ये टैनिंग को रिमूव करेगा। आपकी जो झाइयाँ फेस पर हो जाती है उससे भी आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो वाइट हेड ब्लैक हेड हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा रगड़ कर छुड़ाएंगे ना, तो जो आपके फेस पे अगर ड्राइनेस फील हो रही है, रूखापन फील हो रहा है, तो जितनी भी जो डेड सेल्स हैं आपके स्किन की वो सब झड़ के बाहर आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा सेमी ड्राई होने के बाद में अगर आप इसको छुड़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके फेस पे जो छोटे छोटे रुए होते हैं, जो बाल होते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। अगर बच गया है तो फेंकना नहीं है, आपको इसको अपने हाथ पर भी अप्लाई कर लेना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा उपटन भी कहलाता है। आप इसको एक उपटन की तरह भी अपने हैंड्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपके हाथों पर अगर टैनिंग हो गई है तो उसमें भी काफ़ी अच्छे आपको रिज़ल्ट इसमें मिलने वाले हैं। तो ये हमारी जो रेमेडी है बहुत ही यूज़फुल है। इसको आपको अपने फेस पर लगाना है, हाथों पर भी लगाना है, साथ ही आपने इसको अपने गर्दन पर भी काफ़ी अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गर्दन में भी काफ़ी टैनिंग होती है, मैल हो जाता है, जो कि हम नहीं छुड़ा पाते हैं। और इसको अपने फेस पर लगा कर कम से कम इसको 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है। सादे पानी से आपने इसको रिमूव कर लेना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं रिमूव करके आ चुकी हूँ और बिल्कुल मैंने अपने बालों को टाई करके रखा कि मेरे बालों में आसपास कहीं पे भी ना लगे। और फेस पे जो नेचुरल एक जो ग्लो आया है ना, वो आप खुद देख सकते हैं और मैंने इसको फील किया है कि कितना अच्छा मुझे फील हो रहा है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कमाल की रेमेडी, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि रेमेडी कैसी लगी। लेकिन उसके पहले आपने इस रेमेडी को बनाकर ट्राई जरूर करना है, क्योंकि इसको ट्राई करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपकी जो एक्ने स्कार्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, पिगमेंटेशन पर भी आपके वर्क करेगी। देखिए, होम रेमेडी है, थोड़ा सा रिजल्ट आपको स्लो देती है, लेकिन 100% रिजल्ट आपको देती ही है, ये आप मान के चलिए। मार्केट के या मेडिकल स्टोर से लाए हुए जो केमिकल बेस्ड आप प्रोडक्ट यूज करते हैं वो काफी हार्मफुल होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट की चाहत में वो सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, किसी किसी चीजों में नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम बहुत ही मेजर है तो जरूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके वो सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडी ऑल टाइम बहुत ही बेस्ट होती है, जो कि बहुत ही परफेक्ट भी होती है आपके स्किन के लिए। तो आज की जो रेमेडी है आपको बहुत ही यूजफुल है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए। पिगमेंटेशन चला जाएगा, टैनिंग आपकी चली जाएगी, चेहरे पे एक अच्छी सी चमक आएगी जो नेचुरल होगी एकदम। तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट अनवी के टिप्स में भी जाकर फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी प्यारे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सब लोगों से बाय बाय।